तो देखिए हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 यानी क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या दिया, हम बताएंगे भी, समझाएंगे भी, सॉल्व करके आपको दिखाएंगे भी। इन्होंने कहा फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने 10th पार्ट दिए हैं, हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में इन्होंने क्या दिया 729। तो चलिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइज मेथड से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट्स। तो चलिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में इन्होंने क्या दिया 729। तो चलिए हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी किस कौन सी टेबल से हम फैक्टर करेंगे, 2 की टेबल से हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली संख्या क्या है, ऑड नंबर है। तो हम ऑड नंबर से ही क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या क्या मिला, ऑड नंबर 3 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे देखिए 3 2 क्या मिला 6, 1 बचा यानी 12, 3 4 क्या मिला 12, 3 3 क्या मिला 9, और फिर से हम क्या करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम बता देते हैं 3 8 क्या मिला 24, और 3 1 जा 3, फिर हम 3 से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 क्या मिला 6, यानी कितना बचा 2, यानी 21, 3 7 क्या मिला 21, फिर से हम क्या करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 क्या मिला 27, फिर 3 से हम कैंसिल करेंगे, 3 3 क्या मिला 9, फिर हम 3 से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 3 1 क्या मिला 3। तो इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट में देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे अंडर रूट 729 इजिकल टू, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट देंगे, और जिस जिस टेबल से हमने फैक्टर किया उसको आईडीटी यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे काउंट कीजिए 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए जितनी बार 3 मिला हमें, हम उतनी बार क्या किया, 3 यहाँ पे लिख दिए, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मतलब आईडीटी हमने क्या किया, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो अंडर रूट से बाहर वही नंबर्स निकलते हैं जिनका पेयर होता है। तो यहाँ पे देखिए पेयर बनाइए 1 2 और ये मिला 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितनी बार 3 मिला, 3 बार पेयर बनाते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले पेयर में से 1 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले पेयर से 1 3 ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और इस वाले पेयर से 1 3 हम ले लेंगे। तो चलिए अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 3 क्या मिला 9, 9 3 क्या मिला 27। तो इस प्रकार ये मिला हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का फाइनली आंसर, कितना मिला 27। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। तो देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दिया 400। तो चलिए 400 को हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे 2 से करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 क्या मिला 4, 2 0 बचा, एडीटी हम उतार लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 क्या मिला 2, 2 0 बचा उतार लेंगे, फिर हम क्या करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 क्या मिला 10, 0 बचा, एडीटी हम उतार लेंगे, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे, यानी यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 4, 2 5 क्या मिला 10। अब हम क्या करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे क्योंकि 25 है। तो देखिए यहाँ पे 5 5 क्या मिला 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 1 क्या मिला 5। तो हम क्या करेंगे इसको अंडर रूट में लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 400 इजिकल टू, अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे अंडर रूट देंगे। अब जितनी जिस जिस टेबल से हमने फैक्टर किया उसको आईडीटी यहाँ पे लिखेंगे। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या करेंगे पेयर करेंगे, क्योंकि हमें अंडर रूट से क्या करना है, हमें बाहर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम बाहर निकाल के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 का पेयर बना, फिर 2 का पेयर बना, और फिर 5 का पेयर बना। तो देखिए एक पेयर बना 2 का, तो एक यहाँ पे 2 लिख देंगे मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाले पेयर से 2 लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और 5 के पेयर वाले से 1 5 हम लिख लेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 2 क्या मिला 4, 4 5 क्या मिला 20।
तो इस प्रकार ये मिला हमारा सेकंड पार्ट का फाइनली आंसर, कितना मिला 20। तो देखिए हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। तो देखिए हम डायरेक्ट सॉल्व करके रखें क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम बता देते हैं आपको, इन्होंने थर्ड वाले पार्ट में यानी थर्ड वाले पार्ट में इन्होंने दिया 1764। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फैक्टर किया है। देखिए हमने 2 से फैक्टर किया, फिर 2 से, 3 से, 3 से, 7 से और 7 से। तो हमने क्या किया, इसको अंडर रूट में दे दिया। उसके बाद हमने क्या किया, पेयर किया, यानी 2 का पेयर किया 2 लिखा, फिर 3 का पेयर किया 3 लिखा, फिर 7 का हमने पेयर किया 7 लिखा, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2, 3, 6, 6, 7 से क्या मिला 42। तो इस प्रकार ये मिला हमारा थर्ड पार्ट का फाइनली आंसर 42। अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 4096। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 से कैंसिल करेंगे, कैंसिल हमने किया है यहाँ पे ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। हम बता देते हैं, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार 2 मिला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे 12 बार अंडर रूट में लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए हमने नीचे लिख दिया। आप लोग क्या करेंगे, एक ही अंडर रूट में 12 बार 2 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी बार 2 मिला, 6 बार मिला, यानी पेयर किया तो हमें 6 बार मिला। तो हमने 6 बार यहाँ पे क्या किया, 2 लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला 64। यानी फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर कितना मिला 64। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। तो चलिए फिफ्थ पार्ट भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए फिफ्थ वाले पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 7744। तो हमने फैक्टर किया ऑलरेडी क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। तो सबसे पहले आप 2 से कैंसिल कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो देखिए 2 कितनी बार मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने कितनी बार लिखा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार। फिर उसके बाद 11 से हमने कैंसिल किया, कितनी बार 11 मिला, 2 बार, 1, 2। तो हमने फिर से 2 बार लिखा 1, 2। ये आप लिखेंगे यानी सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में ही इन दोनों को ही लिखेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं था इसलिए हमने नीचे लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे 1, 2, 3, यानी कितने पेयर बने, 3। तो हमने 3 बार 2 लिखा, 1, 2, 3। और 11 का कितनी बार पेयर बना, 1 बार। तो 1, 11 यहाँ पे लिख देंगे। आज जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2, 2 जा क्या मिला 4, 4 2 जा 8, 8, 11 जा क्या मिला 88। तो इस प्रकार ये मिला हमारा फिफ्थ पार्ट का फाइनली आंसर, कितना मिला 88। अब हम बात करेंगे सिक्स पार्ट की। तो चलिए सिक्स पार्ट भी हम सॉल्व करके रखे हैं ताकि ज्यादा समय आपको न देना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम बता देते हैं आपको, इन्होंने दिया 9604। तो देखिए हमने फैक्टर किया ऑलरेडी, तो 2 कितनी बार, यानी 2 से हमने कैंसिल किया कितनी बार, 2 बार। फिर 7 से हमने 4 बार में कैंसिल किया है। तो ऑलरेडी यहाँ पे अंडर रूट में आप लोग लिखेंगे, यानी जिस टेबल से हमने फैक्टर किया उसको अंडर रूट में आप लोग लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पेयर करेंगे। तो देखिए एक पेयर बना 2 का, 2 हमने लिखा, 7 का एक पेयर बना, 7 लिखा, फिर दोबारा यहाँ पे 7 का पेयर बना, फिर हमने 7 ही लिखा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2, 7 से क्या मिला 14, 14 से मुझे क्या मिला 98। इस प्रकार सिक्स पार्ट का फाइनल आंसर कितना मिला 98। तो देखिए अब हम बात करेंगे सेवंथ पार्ट की। तो सेवंथ पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 5929। तो देखिए हमने ऑलरेडी फैक्टर करके देखा, यहाँ पे निकाल के भी आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो देखिए ऑलरेडी आप 7 से फैक्टर करेंगे, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 11 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिस टेबल से हमने फैक्टर किया उसको अंडर रूट में आप लोग देंगे, उसके बाद आप पेयर करेंगे। तो देखिए 7 का पेयर बना, हमने 7 लिखा, फिर 11 का पेयर बना, तो 1, 11 यहाँ पर लिखा। तो 7, 11 जा, यानी 11, 7 जा क्या मिला 77। तो इस प्रकार ये मिला सेवंथ पार्ट का फाइनली आंसर, कितना मिला 77। अब हम बात करेंगे एट पार्ट की। तो चलिए एट पार्ट भी सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एट पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 9216। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमने फैक्टर करके रखा है, यहाँ पे देखिए 2 से हमने कैंसिल किया, फिर 3 से। तो काउंट कीजिए 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार है। तो यहाँ पे अंडर रूट में लिखेंगे 10 बार 2, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार लिखेंगे। और 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे
दो बार थ्री लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे। देखिए एक पेयर मिला टू लिखा, दो पेयर मिला फिर से टू लिखा, थ्री पेयर मिला फिर हमने टू लिखा, फोर पेयर मिला फिर हमने क्या किया टू लिखा, और यहाँ पे फाइव पेयर मिला तो फिर टू लिखा, फिर उसके बाद थ्री का पेयर मिला हमने फिर एक बार थ्री लिखा। अब जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो हमें क्या मिलेगा 96। तो इस प्रकार एट पार्ट का फाइनली आंसर कितना मिला 96। अब हम बात करेंगे नाइन्थ पार्ट की, तो चलिए नाइन्थ पार्ट भी आपको सॉल्व करके हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए नाइन्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया 529। तो देखिए इसको जब आप कैंसिल करोगे 23 से कैंसिल होगा यानी 23 बार में होगा, फिर 23 से आप कैंसिल करोगे वन बार में होगा। तो इसको आईडीटी आप क्या करेंगे अंडर रूट में लिख लेंगे, उसके बाद आप पेयर करोगे तो 23 एक बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, तो हमारा आंसर ही क्या होगा 23। यानी नाइन्थ पार्ट का फाइनल आंसर कितना मिला 23। अब हम बात करेंगे टेंथ पार्ट की, तो देखिए टेंथ वाले पार्ट में इन्होंने क्या दिया, टेंथ पार्ट में इन्होंने दिया 8100। तो देखिए हमने फैक्टर किया ऑलरेडी 2 से, यानी दो बार 2 से हमने फैक्टर किया तो दो बार लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से उसके बाद 3 से हमने फैक्टर किया यानी चार बार, 3 से हमने फैक्टर किया तो चार बार हमने फैक्टर लिखा 3 का, उसके बाद 5 से यानी दो बार हमने फैक्टर किया तो ऑलरेडी दो बार हमने अंडर रूट में लिखा। अब हम क्या करेंगे पेयर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 का पेयर मिला 2 लिखा, 3 का पेयर मिला 3 लिखा, फिर 3 का मिला फिर 3 हमने लिखा, उसके बाद 5 का मिला तो एक बार हमने 5 लिखा। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा 90 मिलेगा। तो इस प्रकार टेंथ पार्ट का फाइनल आंसर कितना मिला 90। तो देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।